साल के कम से कम 6 महीने सोनमर्ग जैसा इलाका कश्मीर और बाकी इलाकों से कटा हुआ रहता है, क्योंकि पहाड़ों से जो पत्थर गिरते हैं वो इस पूरे रास्ते को बहुत ही खतरनाक बना देते हैं पर्यटकों के लिए और आर्म्ड फोर्सेस के लिए भी। इसीलिए भारत सरकार यहाँ पर एप्को कंपनी और एनईएल से मिलकर ये टनल बना रही है, जिसे कहते हैं जेड मोड टनल। आप देख सकते हैं कि आज श्री नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने इसका जो रिव्यू है वो किया है और ये पूरा टनल इस वक्त फिनिश करके तैयार करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। ये एक बाई डायरेक्शनल टनल इसे कहा जा रहा है, एक तरफ यहाँ से जाना और दूसरी तरफ आने का यहाँ पर रास्ता है। इससे फायदा ये होगा कि जब ये यहाँ से सोनमर्ग होते हुए श्रीनगर कनेक्ट करेगा, ये वेस्ट एंड है, ईस्ट एंड से हम ले कनेक्ट करेंगे, तो 3 घंटे का जो रास्ता है वो आप कम से कम 5 मिनट में पार कर पाएंगे। और इस टनल के बनने के बाद सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो पत्थर गिरते हैं पहाड़ों से, जो बहुत खतरनाक रास्ता हो जाता है सर्दी के महीनों में, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ट्रैवल करना।